पंचायत में मैं प्रधान हूँ। तो ये आप जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संसद मार्ग पे, क्या मांग, किन मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं? किन मांग, जैसे कि पूरे दुनिया को, जैसे यूनाइटेड नेशन है, जो मानवाधिकार आयोग है, उनसे हम समर्थन चाहते हैं कि तिब्बत के बारे में सोचे। सन 1959 से 10 मार्च 1959 से अभी तक हमारा 59वां, जैसे हम जन आंदोलन जन क्रांति दिवस हम मनाते हैं, तो 59वां हमने जन क्रांति मना चुके हैं, लेकिन चीन में अभी भी तब्दील बहुत कम है। जैसे कि भिक्षुनी का वहाँ पे अत्याचार करना, निर्दोष कैदियों को जेल में डाल के सालों साल, मतलब किस तरह से आप समझ में नहीं आते, दिखाई भी नहीं देते कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया, इस तरह से उनको भी थोड़ा सा मदद करो, यही हमारा मानव अधिकार को थोड़ा सा इज्जत करो, देखो चीन को, हम यही हम जन आंदोलन के द्वारा हम ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया जरा तिब्बत के बारे में सोचे। और भारत सरकार हमारे जैसे दलाई लामा जी, परम गुरु दलाई लामा जी है, और हमारे जो भी तिब्बतियों का जो जाएंगे वहाँ पे नेता, तो चीन के नेता द्वारा सीधा बात करें कि हमारे तिब्बत के बारे में। लेकिन तिब्बत के अंदर अधिकतर जो बोलिश हैं और वो शांतिपूर्वक मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई अमल नहीं होता है। जैसे कि पूरा दुनिया जानते हैं चीन जो है कैसे है, वो कम्युनिस्ट है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि पूरा दमन अधिकारी द्वारा करके हमारे तिब्बती को पूरा नाम मिटाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारा 60 मिलियन जो 60 लाख आदमी जो आबादी है हमारे, 60 लाख आबादी में हमारे 2-3 लाख ये जिस भारत में होंगे, पूरे दुनिया में 57 लाख जो है हमारे तिब्बत में, लेकिन वहाँ का जो चीन द्वारा अपना आबादी जो है वहाँ पर 2 करोड़ आबादी हमारे तिब्बत में डाल चुका है, तो वो क्या करना चाहते हैं आप सब जानते हैं, हमें बोलने की कोई ज़रूरत ही पड़ेगा चीन का क्या सोच है। तो हम ये पूरे दुनिया से चाहते हैं कि तिब्बत को एक अलग देश है, अलग देश को थोड़ा सा हमारा सहयोग करें। सर अभी आप यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए काफ़ी परेशान थे, आपको परमिशन नहीं मिल रही थी और आपको यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे थे, तो ये तो आप लोग शांतिपूर्वक करें, तो क्या कारण आया कि आपको परमिशन नहीं मिला? अब ये पूरा जैसे कि आप भारत सरकार का अपना रवैया है, हमें उस बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये भी हम भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ तक तो हमारे को थोड़ा सा उनको अनुमति मिला है, ये भी हमें बहुत ही संयुक्त है, संतुष्ट हम इस बारे में भी, क्योंकि कई साल पहले 2-3 साल पहले हम यहाँ तक आ नहीं सके थे, हमारा जो भी हमें जो मिलता था वहाँ मजनू टेले में करके हम लौट जाते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुमति मिलते नहीं था, बस हम बुक करते थे, हमारे सब आदमी जितने भी इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन यहाँ अनुमति नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार भारत सरकार ने थोड़ा सोच के हमें यहाँ तक आना मिला है, इसलिए भी हम भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद।